सीएम रेवंत रेड्डी बीजेपी टारगेट का कीलक व्याख्यलु चेशारु। महाराष्ट्र दोचुकोवडानिकि अदानी प्रधानि कुट्रलु चेस्तुन्नारनि कांग्रेस प्रभुत्वं वस्ते वारी पप्पुलु उडकवन्नारु। महाराष्ट्रको वस्तुन्न पेट्टुबडुलनु प्रधानि मोदी गुजरात्कु तरलिस्तुन्नारनि आरोपिंचारु। पदेळ्ळलो प्रधानि एन्नि उद्योगालु इच्चारो चेप्पालंटू रेवंत डिमांड चेशारु। भारतीय जनता पार्टी से ही है, क्यों 400 सीट मांगा? संविधान को बदलने के लिए और आरक्षण रद्द करने के लिए कोशिश की है, मगर इस देश के जनता मुंह तोड़ जवाब दिए। अम्बेडकर एड्स जहां पर महाराष्ट्र में, जहां पर उत्तर प्रदेश में, ये इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिए, इसीलिए ये संविधान को बदलने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा है। मगर इन लोगों को कभी भी मौका मिले तो ये संविधान बदलना और आरक्षण रद्द करने का इनका हिडन एजेंडा है, उसी के लिए ये लोग काम कर रहा है। इक राज्यांगं पेरुतो कांग्रेस पार्टी अग्रनेता राहुल राजकीयं चेस्तुन्नारन्न आरोपणलकु रेवंत धीटैन जवाबिच्चारु। राज्यांगानि मार्चडं, रिजर्वेषन्लनु रद्दु चेयडं बीजेपी रहस्य अजेंडा अनि आयन आरोपिंचारु। कुछ नहीं देख रहा है कांग्रेस, सिर्फ गुजरात से दो लोग आकर, एक अदानी दूसरी प्रधानी, ये दोनों मिलकर धारावी से लेकर पूरा महाराष्ट्र को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र के जनता ऐसा मौका देने वाले नहीं है, क्योंकि अगर उद्धव जी और कोई कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहा तो ये लोग लूट नहीं सकते। ये दो साल में 17 बड़े बड़े फैक्ट्रीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आए, तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स गुजरात को लेकर गए प्रधानमंत्री जी। तो आज यहाँ के जनता, किसान, बेरोजगार सब लोग तैयार हो गए कि मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। तो कोई भी नारा लगवाने दो, उन लोगों के लिए कोई फायदा नहीं। क्या धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की जा रही है? वो हमेशा उनका काम ही वही है, उससे अलावा 11 साल में क्या किए? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए मोदी जी वादा किया, कितने नौकरी दिए? 2022 में मई पार्लियामेंट में क्वेश्चन दिए तो 7 लाख नौकरी दिया बोल के जवाब दिए, मतलब हर साल 2 करोड़ बोले तो 22 करोड़ नौकरी देने वाले, 7 लाख नौकरी दिया लोकसभा में ही जवाब दिए। इसका मतलब और किसानों का इनकम डबल करने के लिए वादा किया था, 2022 में हर गरीब को घर देने का वादा किया था मोदी जी ने, तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए जब उन्होंने 11 साल में जो काम किया उसके ऊपर अगर चर्चा हुए तो इन लोगों को कोई राजनीति में जगह भी नहीं मिलेगा, इसीलिए उन लोग बांटने के या तोड़ फोड़ का ये ऐसे काम में चुनाव जीतने के लिए, नहीं तो लोगों को भटकाने के लिए।